कोशिशा ने बरूए कान लियावांगा आ जरा गौर कर असी भी सरकार उस पाक दी बारगाह विच कुरान पढ़ के तोहफा तन पेश कर रहे हैं दरूद शरीफ पढ़ के तोहफा पेश करने कुरान पढ़ के हदीये पेश करने और मेरे नबी दी हदीस मौजूद है मिश्कात शरीफ दे अंदर जामे तिरमिजी दे अंदर नवाब सिद्दीक हसन भोपाली अहले हदीसां दे मुजद्दद ने बदलुल हयात विच हदीस नकल कीती है देवबंदी वहाबी मौदूदी तबलीगियां दे मुत्तफिका मुजद्दद इब्ने कय्यम ने अपनी किताब उर्रू विच इस हदीस नु नकल कीता है मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिस जिंदा जिंदे को तो वाला के खुश होंदा वे इसे तरह कबर वाला ईसा ले तो आप दा तो वाला के खुश होंदा वे जरा तवज्जो फरमाओ मैं कुरान और हदीस दी रोशनी पेश करना पिया आज लोग कहंदे ने जी अज्ञान की खान दे ढंग बनाए होए कोई कहंदा जी ना खान पीन दे टंग बनाए ने ना ना जदो कुरान पढ़ेगा ये ग्यारहवीं ते उर्स खान दे टंग नहीं है ते बख्शवान दे टंग बनाए हुए ने क्योंकि अल्लाह ने दसिया क्यामत नू जेड़े मेरे मुत्तकी बंदे ने ए क्यामत नू तेरे की होण दे बोलो सज्जन होण दे और मेरा उस दा मुत्तकी होना मेरा सरकार उस आदम कितने बड़े मुत्तकी ने ए मैं नहीं कहना अल्लामा शतनूफी दी माजातुल असरार पढ़ लै कलायदुल जवाहिर अल्लामा हलवी दी पढ़ लै इसे तरह तबकातुल कुबरा अल्लामा अब्दुल वहाब शौरानी दी किताब पढ़ लै इसे तरह शेख अब्दुल हक मौदी से देलवी दी जुमदातुल असार अब्दुल कादर जिलानी मेरा गोस होवे जिन्हें 40 साल इशा दे वुज़ू नाल फजर दी नमाज पढ़ी और मैं अर्ज करना रहा तो जो करी चीजा पेश करना क्यों सरकार को उसका उर्स करने ऐसे खत्म क्यों दिलाने हैं उर्स असी क्यों कर रहे हैं मेरे उस दे मुत्तकी होण दे उत्ते सरकार शहंशाह बगदाद ने जिन्हें 40 साल इशा दे वुज़ू नाल पर उच्ची बोलो सिर नहीं हिलाना मुंह बोलो मेरी आदत दा तुहानूं विलंब होना चाहिए की मैं कहना वा 40 साल इशा दे वुज़ू नाल 40 साल इशा दे वुज़ू नाल फजर दी ते मैं पूछना वा जना अली भाभियां दे नजदीक भाभियां दे मौलवी मियां नज़ीर साहिब ने अपनी किताब मायारुल हक विच लिखा है कि 12 रकातां तो वद नफल पढ़ना ही बिदअत है किनिया रकातां तो खड़क के बोलो किन्ने सारे बोलो किन्ने 12 रकातां तो वद नफल पढ़ने आले हदीसां दे नजदीक बिदअत ने ते रब दा कुरान पढ़ो अल्लाह फरमांदा है अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम वसुज्जदं वक़ियामा अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदं वक़ियामा अल्लाह फरमांदा है मेरे बंदियां दी निशानी की है उन्हां दियां रातां सजदे ते क़ियामां गुजर दिया ने ते आरिफे खड़ी मियां मोहम्मद सा बोले आवर मांद ने रात पवे ते बेदर्दानू ते नींद प्यारी आवे ते दर्द मंदानू ओ याद सजन दी ते सुतियान जगावे मिलके कह दो वो दर्द मंदानू ओ याद सजन दी ते सुतियान जगावे
उधर अल्लाह ताला इरशाद फरमांदा हदीस कुदसी है, बुखारी शरीफ पढ़ ले, फतुल बारी पढ़ ले, उंदा तुल कारी पढ़ ले, मौजतुन नफूज पढ़ ले, इरशादु सारी पढ़ ले, फैजुल बारी पढ़ ले, तसीरुल बारी पढ़ ले, तसीरुल कारी पढ़ ले, मिशकात पढ़ ले, अशरतुल महात पढ़ ले, मरकात पढ़ ले, मुदारे हक पढ़ ले, अशरफ अली थानवी दी तहजीब व तज़कीर पढ़ ले, इस्माइल देहलवी दी मनसबे इमामत पढ़ ले, ओदी दूसरी किताब सिराते मुस्तकीम पढ़ ले, इमाम गजाली दी याउल उलूम पढ़ ले। मैं जिम्मेदारी नाल कहना वा, मैं 101 किताब विचो हदीसे कुदसी आओ ये कहने वालों, यार आवाज जरा ऊंचा करके साउंड वाले, ये कहने वालों कि हमारा मजहब किताब और सुन्नत है, हमारा मसलक कुरान और हदीस है, ज़ियाउल्लाह कादरी टंके की चोट तुम्हें दावत दे रहा है, जरा तवज्जो कर, हदीस से कुदसी है, फरमाया मा यज़ालु अब्दी यतकर्रबु इलैया बिन नवाफिल, हदीस कुदसी, बुखारी पढ़, मिशकात पढ़, 101 हदीस विचो दसांगा। अल्लाह ताला फरमांदा बंदा नफल पढ़ पढ़ के मेरा मुकर्रब बनदा, जाओ मौलवियों से पूछो अरबी की जमा कहां से शुरू होती है, नाराए तकबीर नवाफिल। अल्लाह फरमांदा बंदा नफल पढ़ पढ़ के, तू कहना 12 तो वध पढ़ने बिदत ने, तू कहना 12 तो वध नफल पढ़ने बिदत ने, रब फरमांदा बंदा मेरा मुकर्रब नफल पढ़ पढ़ के बनदा है, राती जारी कर कर रोवन, राती जारी ओ कर कर रोवन, ते नीर अखाती बहांदे, ते फजरी ओगन हार कहावन, ते सब थी नीवे होंदे। जरा तवज्जो करी, रब्बे करीम ने कुरान में फरमाया, फरमाया ला यस्तवी असहाबुन नारे व असहाबुल जन्ना, असहाबुल जन्नते हुमुल फाइज़ू, जन्नती ते दोज़खी जड़े ने बराबर नहीं हो सकते, ते मैं पूछना वा जे जन्नती ते दोज़खी ए बराबर नहीं हो सकते, ते उम्मती ते नबी भी बराबर, जी साडे वर्गे सन, हाय हाय हाथ सन, पैर सन, खांदे सन, पीते सन, बीवियां सी औलाद साडे वर्गे सन, बस रवैया दी है। अल्लाह फरमांदा जिन्हें मखलूक नू पैदा फरमाया, फरमाया ला यस्तवी असहाबुन नारे, मेरे नाल मिलके पढ़ो जरा, ला यस्तवी असहाबुन नारे असहाबुल जन्ना, फरमाया जन्नती ते दोज़खी बराबर नहीं हो सकते, ते जे जन्नती ते दोज़खी बराबर नहीं हो सकते, ते जिदे सदके जन्नत मिलनी है, नारे नहीं बुलांदे,
ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਾਂ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਲਾਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਰੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਲਾਂਦੇ। ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਤੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਤ, ਉਧਰ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਯਸਤਾਵੀ ਅਸਹਾਬੁਨ ਨਾਰੇ ਵਾ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਾ, ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਤੇ ਦੋਸਤੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜੰਨਤ ਹੁਮੁਲ ਫਾਇਜ਼ੂਨ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਜੰਨਤੀ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੰਨਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਜੰਨਤੀ। ਕੌਣ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਐਲਾਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ? ਬਸ ਬਈ ਬਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ? ਜੀ ਨਾਜ਼ਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਪਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਗੀ? ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਗੀ ਨਾ ਗੱਲ।